नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के केडी पैलेस के पास नशे का अड्डा बना बच्चे की मौत का कारण रात में नशे में धुत कार चालक ने बच्चे को मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत। बच्चे की उम्र महज 16 साल। उसके साथी आयुष ने बताया हादसे की जुबानी। केडी पैलेस के बगल में होटल में हर रात को चलती है नशेबाजी। ग्वालटोली थाना पुलिस बनी रहती है मूक दर्शक, जिसके चलते कई मासूम बच्चों की जा चुकी है जान। क्यों नहीं होती इन होटलों के खिलाफ कार्रवाई? क्या पुलिस सह पर चल रहे हैं ये होटल? कानपुर से संवाददाता जय चौधरी की रिपोर्ट। अनमोल अनमोल बेटा, क्या घटना थी? अरे उसका जो कलावा था, किसका कलावा? आयुष जो था मेरे साथ, उसका कलावा जो तो पुराना हो गया था, उसने फेंक दिया था। उसने कहा कि आओ हम चले ग्वालटोली कलावा लेने। तो हम और मेरी मम्मी ने उससे कहा भी था कि बेटा वहाँ से सालन ले आना। तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे, हम लोग चौराहा पार कर हम लोग यहाँ से आ रहे थे। बस हम लोग जैसे यहाँ पहुँचे तो हम इस साइड, वो बीच में था और इस बगल में एक लड़का और था, उसका नाम था तुषार, मेरे साथ का है। और वो कार आला ढाल उतर के एकदम स्पीड में पीछे आया। सबसे पहले गाड़ी वाले को टक्कर मारे। कार वालों को हम पहचानते, नाम हम नहीं जानते, शकल जानते, दाढ़ी मूंछ थी और सर में वो बांध देता। अभी ये थोड़ी बता सकते हैं, वो तो टक्कर मारा, बगल में मेरे खड़ा था, बगल में मेरे खड़ा था। हाँ, हमने कहा मेरे भाई कुछ भी हो तुम बम मारेंगे। उसने कहा कुछ नहीं होगा। और फिर जब ये सब हुआ तो हम रोते रोते घर जा रहे थे। और कोई कोई यहाँ का किसी ने साथ नहीं दिया। बस थोड़े बहुत जो जहाँ के थे उन्होंने कार उठवाई और वो बीच में फंसा उठवाया। और हमारे जो दादा है, हमारे घर मोहल्ले पर कालीचरण दादा, उनके नहीं, जो नहीं, कार में टक्कर किसने मारी? कार में कैसे टक्कर मारी? लड़के को जो तुम्हारे साथ टक्कर मारी नहीं, हम लोग यू आ रहे थे, वो कार वाला इसे लेके आ गया पीछे, मतलब यू साइड पीछे बैक से आगे गिर कर बैक साइड में ले आया। कार ऐसे खड़ी थी ये वाली, तो हम लोग हट गए, वो बेचारा दब गया था।